राधे श्याम जयंती पर देवेंद्र कथावाचक का सम्मान बरेली अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वावधान में दुनिया के जाने माने कथावाचक पम राधे श्याम कथावाचक की 130वीं जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन श्री इंद्रदेव त्रिवेदी के बिहारीपुर आवास पर किया गया, जिसमें उनके परम शिष्य देवेंद्रनाथ शर्मा को राधे श्याम कथावाचक स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने पंडित राधे श्याम कथावाचक के साथ बिताए दिनों को ताजा करते हुए कई रोचक प्रसंग साझा किए। उन्होंने बताया कि दो महीने वह पंडित जी के साथ कई हिंदी भाषी प्रदेश में कथा सुनाने जाया करते थे। बताते हैं कि उनकी कथा 1,00,000 से ज्यादा श्रोता सुनने आते थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्य भूषण डॉक्टर सुरेश बाबू मिश्रा ने करते हुए राधे श्याम कथावाचक को एक जीवंत कलाकार और नाटककार बताया। इंद्रदेव त्रिवेदी ने गोष्ठी का संचालन किया। खासतौर से मौजूद लोगों में मानव सेवा क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र बीनू सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन आचार्य, राम कुमार भारद्वाज अफरोज, डॉक्टर रवि शर्मा, पीके गुप्ता सहित अनेक लोग उपस्थित रहे मौजूद हैं। जो राधे श्याम जी की मृत्यु के पश्चात से लेकर अब तक बराबर हर वर्ष उनके कार्यक्रम में, चाहे जयंती हो चाहे उनकी पुण्यतिथि हो, बराबर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मैं आज के अवसर पर चाहूँगा कि 2 सर्वे जरूर करें। धन्यवाद त्रिवेदी जी। आज जो कार्यक्रम हो रहा है तो यहाँ त्रिवेदी जी के निवास पर हो रहा है, और त्रिवेदी जी के निवास पर हो रहा है, और ये राधे श्याम कथावाचक पे हम मानव सेवा क्लब के तत्वाधान में भी हर साल हम लोग 25 नवंबर को एक कार्यक्रम करते आए हैं हमेशा, और किसी ना किसी का सम्मान, नाटककर्मी का सम्मान करते आए हैं। और इस वर्ष कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाया है, तो पिछले बार तो वीरेंद्र सिंह जी जो यहाँ के जिलाधिकारी रहे, उन्होंने कई दिन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया था, जिसमें कि एक स्मारिका भी उस मेरे संपादन में छपी थी, जिसमें राधे श्याम कथावाचक पे काफ़ी सामग्री थी उसमें। और आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें पंडित देवेंद्रनाथ शर्मा जी का हम लोगों ने सम्मान किया। हमारा और सभी लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों ने उनको सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अंत में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश बाबू मिश्रा जी से आग्रह कर रहा हूँ कि वो आज के कार्यक्रम की समापति को। आज पंडित राधे श्याम कथावाचक की जयंती है, और इस अवसर पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा जिला मंत्री इंद्रदेव त्रिवेदी के आवास पर एक सम्मान समारोह और गोष्ठी का आयोजन किया गया है। पंडित राधे श्याम कथावाचक बरेली के ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपने साहित्य सृजन द्वारा बरेली का मान पूरे देश में, पूरे विश्व में बढ़ाया। अपने जीवन काल में उन्होंने 57 पुस्तकें लिखी और 175 पुस्तकों का संपादन किया। इसके साथ साथ उन्होंने सन 1922 से और सन 1929 दिसंबर तक एक भ्रमर पत्रिका निकाली। ये द्विवेदी युग की बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती है। त्रिवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी अपनी सरस्वती पत्रिका निकालते थे और बरेली से भ्रमर पत्रिका प्रकाशित होती थी। ये इतनी प्रसिद्धि प्राप्त पत्रिका थी आचार्य जी कि इसमें यशपाल की कहानी अंगूठी, जो सबसे पहली कहानी थी, यहीं से इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई, और प्रेमचंद की शुरुआती दौर की 4 कहानियां यहीं से प्रकाशित हुई। वह मदन मोहन मालवीय जी को अपना भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास वन की ओर जा रहे थे और गंगा जी के तट पर पहुँचे, तो उन्होंने जाकर के केवट से नौका मांगी पार जाने के लिए। तहु बोले नाव यहाँ लाओ, वो बोला लाता हूँ राजा। भगवान ने प्रतीक्षा की शायद अब लाता होगा, नहीं लाया। फिर भगवान ने कहा, तहु बोले नाव यहाँ लाओ, वो बोला लाता हूँ राजा। आया, बोले जल्दी आओ, बोले आया, अब आया, आता, अब आता हूँ राजा। तहु बोले आया आया, इस तरह करो ना टालम टोल, जो बात हो साफ कहो, क्या करना है।